नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 ने पूरे विश्व को अपने कब्जे में कर लिया है। कोविड यानी कि कोरोना वायरस से होने वाली जो डिजीज है, कोरोना वायरस से फैलने वाला जो संक्रमण है, इसने पूरे के पूरे विश्व के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया है। दोस्तों, आज हम यहाँ पर इसी के पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करने आए हैं। और आपको जानकारी होगी कि भारत में भी ये काफी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अगर हम आज की डेट की बात करें, 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया, और उसके अगले ही दिन से, नेक्स्ट डे से ही, पूरी भारत में या भारत के बहुत बड़े हिस्से में कह सकता हूं कि बंद उसको कर दिया गया या रोक दिया गया, लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन कई लोग इसका उल्लंघन करते रहे। इस चीज को किनारे रख करके यदि अगर हम ये बात करें कि इसकी जरूरत सरकार को क्यों पड़ी, क्यों सरकार को पूरा भारत एक साथ बंद करना पड़ा, बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस से लेकर के छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस तक, इवन हर एक जगह पर बंदी क्यों कर दी गई, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल सा है कि हमारे यहाँ वैश्विक रूप से जो ये महामारी है, उसने अपने पाँव भारत में भी रख दिए हैं। अब इससे बचने के लिए आखिर हमारे पास क्या संसाधन है, क्या चीजें हैं जिससे हम ये बच सकते हैं? सबसे पहला उपाय है, आप घर से बाहर ना निकलें। ये तो हो गया प्रिकॉशन, लेकिन क्या इसकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हमारे देश में यानी भारत में है? और भारत ही क्या, पूरे विश्व के किसी देश में है? आपको भी मालूम है कि इसका उत्तर ना है। किसी के पास भी इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन चाहिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो चाहिए सबको, लेकिन जब सबको मेडिकल ट्रीटमेंट्स चाहिए तो उसके लिए हमें मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स और मेडिकल स्टाफ्स, वो जो हैं जरूरी रूप से चाहिए। अब इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है, या इस चीज को समझना ये कोई कठिन बात नहीं है कि हमारे पास में जनसंख्या की तुलना में मेडिकल स्टाफ, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड मेडिसिन्स, इनकी संख्या बहुत कम है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन चीजों को सोच रही होगी कि कैसे इन चीजों को बढ़ाया जाए, कैसे इन संसाधनों को बढ़ाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा। क्या प्लान किया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में आज ये लेक्चर है। दोस्तों, आप सब लोगों का मैं अपने इस सिलेक्शन मेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि ये जो लेक्चर है आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। और इस लेक्चर के बाद आपसे मैं एक विनती करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप उस विनती को पूरा करेंगे। दोस्तों, जब ये परेशानी भारत सरकार के पास जाती है तो भारत सरकार के पास भी इसका सोल्यूशन निकालने के लिए पूरी तरीके से कमेटी बनानी पड़ती है। लेकिन इसी बीच एक राहत की सांस आती है, और वो ये है कि तमाम सारे लोगों ने पीएमओ ऑफिस में पत्राचार करके या फिर दूसरे माध्यम से संदेश पहुंचा करके प्रधानमंत्री से इस आपदा के लिए एक राहत कोष की मांग करी, जिसका नाम है पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स फंड यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो इसी फंड के बारे में यानी पीएम केयर फंड्स के बारे में हम लोग इस लेसन में, इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ इस लेक्चर में है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस रिलीफ फंड की, जो प्रधानमंत्री जी ने बनाया है या उनकी जो टीम ने बनाया है, उसके बारे में जानते हैं। आखिरकार ये जो कोविड-19 है, इसने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं अपने आगोश में कर लिया है, और मिलियंस ऑफ पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इससे सफ़र कर रहे हैं। इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं इंडिया को पहले से अपनी तेजी दिखानी पड़ेगी, और इसके लिए उसे एमरजेंसी जो फंड है उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। प्रधानमंत्री जो का जो पीएमओ ऑफिस है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने स्लाइड में रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि उन्होंने स्वयं बताया है कि देश भर से लोगों के कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने की इच्छा जाहिर करी है, और इस भावना का सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री ने एमरजेंसी फंड पीएम केयर्स एमरजेंसी फंड की स्थापना करी है। दोस्तों, ये कितना कारगर साबित होगा इसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं
इन्होंने कहा है या इस फंड की स्थापना करते समय ये चीज ध्यान में रखी जा रही है कि इसमें जो प्राथमिकता जो दी जा रही है वो इस बात को दी जा रही है कि इस फंड का इस्तेमाल किसी प्रकार की जो इमरजेंसी या डिस्ट्रेस सिचुएशन जो आती है उसमें किया जाएगा, जैसे प्रेजेंट टाइम में COVID-19 जो महामारी है उससे हो रही है। इसके अलावा यदि अगर किसी दूसरे प्रकार की भविष्य में किसी दूसरे प्रकार की जो सिचुएशन अगर इस तरीके की क्रिएट होती है, जो इमरजेंसी सिचुएशन यदि अगर क्रिएट होती है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि अगर इसमें जो फंड हैं वो यदि अगर COVID-19 में इस्तेमाल नहीं भी हो पाते हैं और इससे पहले ही ईश्वर करे कि COVID-19 से हम लोग सब लोग उभर पाएं, तो इस फंड का इस्तेमाल बहुत ही सदुपयोगी कार्यों के लिए होगा। सदुपयोगी कार्यों में रिलीफ फंड के रूप में है, तो रिलीफ सिचुएशन जो है, रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन जो है उसमें आपको ये प्रोवाइड कराया जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर इसका फुल फॉर्म दे सकते हैं, पीएम केयर्स का मतलब है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री के इस कोष का इस्तेमाल कहीं ना कहीं सिटीजन असिस्टेंस में यानी लोक सहायता में यानी नागरिकों की सहायता के लिए या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में राहत पहुंचाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों ये जो केयर फंड बना हुआ है, पीएम केयर्स फंड है, इसमें चार मेंबर हैं मुख्य तौर पर अगर देखा जाए, जिसमें से प्रधानमंत्री जो है वो इसके चेयरपर्सन होंगे, अध्यक्ष होंगे, साथ ही साथ होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर्स को मिला करके ये जो फंड है उसको बनाया गया है। ये जो संस्था है इसके लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है। अब बात आती है कि कैसे आप इसमें डोनेट करेंगे, किस प्रकार से आप इसमें अपनी सहायता प्रदान कर सकते हैं, वित्तीय सहायता। तो इसके लिए कई आसान से तरीके हैं, जैसे कि आप pmindia.gov.in की वेबसाइट में जाकर वहाँ से इस ये जो यहाँ पर अकाउंट डिटेल लिखी हुई है पीएम केयर्स के नाम से जो अकाउंट डिटेल लिखी हुई है, आप इसमें जाकर के अकाउंट का नाम लिखा है, अकाउंट नंबर लिखा है, आईएफएससी कोड लिखा हुआ है, स्विफ्ट कोड लिखा हुआ है, तो इन सब में कहीं ना कहीं आप अपना हिस्सेदारी भागीदारी निभा सकते हैं। लेकिन सबसे सरल तरीका जो है मेरे हिसाब से वो है कि अगर आप UPI यूज़ करते हैं तो UPI ID pmcares@sbi जो सबसे नीचे लिखा हुआ है इस पर जा करके आराम से इनमें में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करते हुए, चाहे आप UPI भीम पे यूज़ कर रहे हो या पेटीएम यूज़ करते हो या फोन पे यूज़ करते हो, मोबिक्विक है, अमेजन पे है, गूगल पे है, इन सब का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया में यदि अगर देखा जाए तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, RTGS और NFT के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है खास कि पीएम केयर फंड इज एक्सेम्प्टेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 10 एंड 139। तो सेक्शन 10 और 139 के अंतर्गत इनकम टैक्स अधिनियम 1961 के सेक्शन 10 और 139 के अंतर्गत पीएम केयर्स फंड को इनकम टैक्स की अधिसूची से बाहर रखा गया है, इनकम टैक्स की सीमा से बाहर रखा गया है। और साथ ही साथ यदि अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 100% जो है वो डिडक्शन मिलेगा टैक्स इनकम, जो ये जो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80G जो है इसमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा तमाम सारे लोगों ने, आप देखेंगे तमाम सारे मीडिया के माध्यम में आप सब देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है बहुत सारे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह जो हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि इसमें अक्षय कुमार का नाम काफ़ी ऊपर है। अगर देखा जाए तो उन्होंने 25 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की बात करी थी। इसके अलावा तमाम सारे सेलिब्रिटीज़ क्रिकेट इंडस्ट्री से रिलेटेड हों या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हों या बड़े बड़े दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, उन्होंने सहायता प्रदान करने की बात करी है। यहाँ पेटीएम पेमेंट जो है उसकी बात मैं कर लेता हूँ। पेटीएम डिजिटल पेमेंट कंपनी ने कंट्रीब्यूशन के रूप में अगर देखा जाए तो 500 करोड़ जो है वो पीएम केयर्स फंड में डालने की बात करी है। और इसके लिए जो उन्होंने प्रोसेस अपनाया है उसमें कहा है कि पेटीएम के किसी भी प्रकार से पे मोड अगर कोई यूज़ करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसमें से 10 रुपये डिडक्ट होकर ऑटोमेटिकली इस पीएम केयर्स फंड में चले जाएंगे। दोस्तों ये जो फंड है इसका इस्तेमाल भारत सरकार किस प्रकार करेगी, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जिस तरीके से COVID-19 पेंडेमिक इस समय पूरे भारत सहित पूरे विश्व पर अपने पैर फैला चुका है, इसके लिए तमाम प्रकार के मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ने का मतलब यहाँ पर है, जैसे कि जब ये किसी व्यक्ति में जब COVID-19 के क्रिटिकल स्टेज को जब वो पार कर जाता है या क्रिटिकल स्टेज में जब वो एंटर कर जाता है,
तो कहीं ना कहीं उसके लंग्स यानी कि फेफड़ों में बहुत समस्या आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और उसे वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है। और वेंटिलेटर्स की संख्या हमारे यहाँ की जनसंख्या की तुलना में बहुत कम होने के कारण इनकी संख्या को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तो पीएम केयर्स फंड्स कहीं ना कहीं इसमें यूज होगा, पीएम केयर्स फंड जो है इसमें कहीं ना कहीं यूज होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ना सिर्फ वेंटिलेटर्स बल्कि जनरल यूज की चीज़ें हैं जैसे सैनिटाइजर है, मास्क है और तमाम प्रकार की फूड एंड ग्रेन की जो चेन है वो इस आउटब्रेक में ब्रेक ना हो जाए, इसके लिए भी फंड की ज़रूरत है। लोगों को इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में टैकल करने के लिए इन सब हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है और सारे हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए जो पैसे की ज़रूरत है उसमें ये पीएम केयर फंड्स का यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपसे जो रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ वो रिक्वेस्ट यही है कि आप भारत सरकार के इस ये जो रिलीफ फंड है, पीएम केयर्स फंड है, इसमें अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करें। मैं लेक्चर के अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि आप अधिक से अधिक इसमें कंट्रीब्यूट करें अपनी सीमा। देखिए ये माइक्रो जो डोनेशन है उसको भी एक्सेप्ट करेगा, आप छोटे से लेकर के बड़े अमाउंट तक आप डोनेशन जो है यहाँ पर कर सकते हैं, जितना आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस इन्फॉर्मेशन को मैं चाहता हूँ कि आप वाइडली स्प्रेड करिए, क्योंकि ये कोई इस तरीके की जानकारी नहीं है जो आप अपने पास तक सीमित रखें। ये जितने लोगों के पास जाएगा उतना कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक सहायता लोग कर पाएंगे। आप थोड़ा सा ही सही पर इसमें डोनेट ज़रूर करिए, और डोनेट यदि अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ इस मैसेज को तो स्प्रेड करिए जिससे कि मैक्सिमम लोगों के पास ये जा सके और लोग इस पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें, ये पीएम रिलीफ फंड में सारा पैसा जा सके जिससे कि कोविड-19 से निपटने में सहायता हो सके। सो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ज़रूर ना भूलिएगा। और जितने लोग यहाँ पर पे कर जाएंगे, करते रहेंगे, उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है अभी तक या नहीं। प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू पीएम केयर्स फंड। थैंक यू एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।